जयपुर से बड़ी खबर है। राजधानी में लगातार भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी में सुबह से तेज बारिश का दौर चल रहा है। गांधी पथ वेस्ट में बारिश से सड़कें तालाब बन गई हैं। जगह जगह जलभराव से वाहनों की रफ्तार थम गई है। बारिश और जलभराव से कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनी हुई है। तस्वीर भी आपको राजधानी जयपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश ने राजधानी जयपुर का हाल बेहाल कर दिया है। पानी आप देख सकते हैं सड़कों पे किस तरीके से भरा हुआ। तालाब, सड़कें, दरिया सड़कें बनी हुई नजर आ रही हैं और इसके साथ साथ आने जाने वाले लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। वाहनों की रफ्तार मानो थम गई हो, जयपुर की रफ्तार पर ब्रेक लग गया हो। खबर यह है कि ट्रैफिक की हालात भी वहां पर बेकाबू होते हुए नजर आए, यानी कि ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बन गई। लगातार सुबह से तेज बारिश का दौर जयपुर में चल रहा है। आपको बता दें कि 5 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 3 दिन लगातार मूसलाधार बारिश होगी। इस बार राजस्थान में जल प्रहार देखने को मिल रहा है। आपको अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए जयपुर, करौली, भरतपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, उदयपुर, जहां पर लगातार बारिश जमकर हो रही है, बदरा बरस रहे हैं। ऐसे में आने जाने में खास तौर पर लोगों को दिक्कत हुई है। जयपुर की तस्वीर, करौली में भी देखिए हालात कुछ वैसे ही बने हुए हैं, जहां पर लबालब सड़कों पर पानी भरा हुआ है। भरतपुर में भी आपको बता दें कि बांध के कई गेट खोलने पड़े। इसके साथ साथ प्रतापगढ़ में भी झरना बहने लगा है, वो झरके जो कि सूखे हुए थे। और उसके बाद माउंट आबू की वो खूबसूरत तस्वीर जहां पर झरना बहता हुआ नजर आया। उदयपुर में भी झीलों का ये शहर जहां पर हालात एकदम बेकाबू हो गए हैं। करौली में भी बारिश से हालात बिगड़े हैं। गौशाला मार्ग, राधेश्याम फार्म हाउस के सामने जलभराव सड़क पर 3 फीट तक पानी भर गया। ऐसे में आवागमन बाधित हुआ है। कई दुकानें हैं, मकान है जहां पर पानी घुस गया। बाढ़ जैसे हालात इस वक्त करौली में नजर आ रहे हैं। ये करौली की तस्वीरें जहां पर कई दुकान और मकान में तक पानी भर गया। खासतौर पर निचले इलाकों में बेहद स्थिति गंभीर बनी हुई है, घरों तक पानी भर गया है। इसके साथ साथ कई गांव का संपर्क भी जो है वो जिला मुख्यालय से कट गया है। आपको बता दें कि अजमेर में तो हालात इस कदर के हो गए हैं कि आज स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी, क्योंकि कई जगह पर अजमेर में स्कूली बच्चे कल तेज बहाव में फंस गए थे, जिन्हें शव वाहन से तक रेस्क्यू किया गया था। फतेहपुर की वो तस्वीर आपने देखी थी, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर स्कूल से फंसे हुए बच्चों को वहां निकाला गया था। और ऐसे में एहतियातन यहां पर सावधानी बरतते हुए अजमेर में छुट्टियां कर दी गई हैं। करौली में भी आप देख सकते हैं घुटनों घुटनों पानी नजर आ रहा है। खास तौर पर जो निचले इलाके हैं वहां की जो बस्तियां हैं वहां पर पानी भरा हुआ है, जलमग्न हो गई है सड़कें। धर्मेंद्र हमारे संवाददाता करौली से जुड़ रहे हैं, जयपुर का हाल बताने के लिए महिमा हमारे साथ जुड़ रही है। सबसे पहले धर्मेंद्र का रुख करते हैं। धर्मेंद्र, क्या अभी भी बारिश हो रही है? मौसम का हाल भी बताइए तस्वीरों के माध्यम से, और कितनी परेशानी? जी देखिए, बताना चाहूंगा इस समय हम करौली के राधेश्याम फार्म हाउस क्षेत्र में खड़े हैं। यहाँ पर देर रात को एक कार 2 लोगों के साथ बह गई थी, जिसके चलते वो लोग मुसीबत में फंस गए। हालांकि सूचना पर सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम के साथ पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने दोनों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया था। इस समय कुछ लोग यहां पहुंचे हैं और क्रेन की मदद से जो फंसी हुई कार है उसे निकालने के प्रयास चल रहे हैं। यहां आप देख सकते हैं इस समय लगभग 6 फीट पानी भरा हुआ है। यहां ये बगीची है, कुछ घर हैं उनमें पानी भरा हुआ है, साथ ही मैरिज हॉल है, राधेश्याम फार्म हाउस कहलाता है, उसमें काफी पानी भरा हुआ है। यहां लगभग जब भी बारिश होती है यही हालात पैदा हो जाते हैं, जिसके चलते ना सिर्फ लोगों को परेशानी होती है, आवागमन भी बंद हो जाता है। हमारे साथ क्षेत्र के 1-2 पार्षद मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या हालात है, क्या परेशानी आती है। सर, अगर बात करें क्षेत्र में बार बार पानी भरता है, ये क्यों परेशानी आती है, क्या कारण है? देखो जी, प्राकृतिक जो बहाव क्षेत्र थे पहले, उन पे अतिक्रमण हो चुके, प्रशासन को भी कई बार अवगत कराया है कि अतिक्रमणों को सही कराया जाए, और जिससे पानी सुचारू बहे, ये पहले स्थिति नहीं होती थी। ये जैसे नगरीकरण तेजी से बढ़ रहा है तो अतिक्रमणों की वजह से ये पानी इतना भर रहा है यहाँ पर, और इसका समाधान यही है कि बहाव क्षेत्र से जो पुराने बहाव क्षेत्र हैं उनसे अतिक्रमणों को हटाया जाए। अतिक्रमणों के हटाने की बात होती है, आप नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं और वर्तमान में पार्षद भी हैं, तो बार बार आपके द्वारा ये मुद्दे उठाए गए, क्यों समाधान नहीं हो पाया?
ये समझ में नहीं आता कि प्रशासन और जो अधिकारीगण है इस पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये कई वर्षों से समस्याएं चली आ रही हैं, हर साल ये स्थिति बनती है। लोग पानी में आ गए कि स्थिति देखो बहुत खराब है, पर लोग कई दिनों तक घरों बनती है, लोग भी परेशान है, लेकिन समाधान क्यों नहीं होता, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल। राजधानी जयपुर का रुख कर लेते हैं, महिमा भी हमारे साथ जुड़ गई, उसके बाद उदयपुर भी हमें नजर आ रहे हैं, कपिल श्रीमाली वहां के हालात का जायजा लेते हुए और बताएंगे हमें वहां की अपडेट। महिमा, चूंकि जाहिर तौर पर खबर यह है कि ऑफिस का ये टाइम है, ट्रैफिक जाम की भी स्थिति बन गई बारिश होने की वजह से, अभी कैसे हालात हैं, क्या ट्रैफिक जाम को खुलवाया गया? बिल्कुल, देखिए राजधानी में लगातार बारिश का दौर देर रात से जारी है, और अब बात करें राजधानी की तो मूसलाधार बारिश यहाँ देखी जा रही है। गणेश चतुर्थी का आज पर्व है, लेकिन ऐसे में भक्त मंदिरों में भी पहुंच रहे हैं, और ट्रैफिक के हालात जैसा आपने कहा वो पूरे राजधानी में बने हुए हैं। और बात की जाए अगले 3 दिन ऑरेंज अलर्ट जो है मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, ऐसे ही बारिश देखने को मिलेगी, और बारिश की वजह से जो है ट्रैफिक के साथ साथ सड़कों पर पानी का जलभराव भी हमें देखने को मिल रहा है, जो नाले हैं और सड़कें हैं वो पूरी तरह से लबालब हमें नजर आ रही है, जिससे आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि पहले से जो है बारिश में कमी हुई है, मतलब बारिश धीरे हो गई है, लेकिन सुबह लगातार 3 घंटे से जो है बारिश का दौर जारी था, जो अभी भी हमें देखने को मिल रहा है, और कहा जा रहा है कि आज पूरे दिन भर ऐसे ही बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा, और अगले 3 दिन तक ऐसे ही बारिश जो है राजधानी में होगी। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और राजधानी में मूसलाधार बारिश है, उसके बाद आज गणेश चतुर्थी का भी पर्व है, ऐसे में लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। ट्रैफिक की व्यवस्था जो है हमें देखने को मिल रही है कि काफी लंबे जाम में लोग फंसे हैं, तो ऐसे में लोगों को परेशानी भी खूब हो रही है, लेकिन आज सैटरडे संडे तो ऐसे में यहां पर जरूरी है कि प्रशासनिक अमला काफी मुस्तैद रहे ताकि लोगों को परेशानी ना हो। आपके पास हम रुख करेंगे उदयपुर का, आप फिलहाल रुख करते हैं, कपिल हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल, जाहिर तौर पर लेक सिटी झंडे भी बहते हुए नजर आए, झीलें भी लबालब हैं, लेकिन ऐसे में आम लोगों के लिए जरा बताइए कितनी दिक्कतें बढ़ गई हैं, क्योंकि वो तस्वीर भी हमने देखी जहां पर सड़कें दरिया बनती हुई नजर आई। बिल्कुल, देखिए उदयपुर में कई जगह ऐसी नौबत आई जहां पर जो नदी नाले थे वे उफान पर नजर आए, और उसके चलते कई गांव के संपर्क शहरी इलाकों से कट गए। लेकिन आज मैं आपको तस्वीर सुकून देने वाली दिखाऊंगा, उदयपुर की सबसे प्रसिद्ध फतेह सागर झील की मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। आप देखिए कि ये फतेह सागर झील है, जो कि एक बारिश जो 4 दिन पहले हुई थी उसके बाद लगातार पानी की आवक बढ़ी और अब ये झील लबालब हो चुकी है। ये वो खूबसूरत पॉइंट है जहां से माना जा रहा है कि आज खुशियों का, उदयपुर की खुशियों का यह सागर फतेह करेगा। आप देखिए कि तैयारियां जो है वो की जा रही है, झील जो पानी आया है उसके साथ में जो कचरा आया उसे साफ करने के लिए नगर निगम की और यूडीए की जो टीम है वो जुटी हुई है। अब जो इसका जल स्तर है 13 फीट पहुंच चुका है, और ये माना जा रहा है कि जो लगातार पानी की आवक बनी हुई है उसके चलते ये कभी भी यहां से छलक सकता है। साथ ही आप देखिए कि जल संसाधन विभाग ये निर्णय भी ले सकता है कि यदि पानी की आवक को देखते हुए आज इसके गेट भी खोले जा सकते हैं। तो यहां पर जो गेट खोलने की जो तस्वीरें नजर आती है ये उदयपुर वासियों के लिए काफी सुकून देने वाली होती है, पर्यटकों के लिए काफी कपिल बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। महिमा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए मोती डोगरी की अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं, सीधे राज्यपाल की तस्वीरें हैं जहां पर मोती डोगरी पहुंचे हैं गणेश के दर्शन करने के लिए। आज गणेश चतुर्थी है, जाहिर तौर पर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, इसलिए गणमान भी यहां पर पीछे नहीं है अपनी भक्ति दिखाने में। ये राज्यपाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए मोती डोगरी में पहुंचे हैं गणेश के दर्शन करने के लिए। आज गणेश चतुर्थी है और गणपति बप्पा मोरिया के मंदिर में लगातार यहां पर जयकारे गूंज रहे हैं। हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए करौली से बड़ी खबर ले रहे हैं जहां पर बारिश के बाद हालात बिगड़ते हुए नजर आए हैं। रियासत कालीन रणगमा तालाब की पाल का एक भाग क्षतिग्रस्त हो गया, साइनात खिड़कियां बाहर, शहर के परकोटे की दीवार भी क्षतिग्रस्त हुई है। क्षतिग्रस्त परकोटे का मलवा पाटौर पोष घर के ऊपर गिर गया है, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यहां पर देखिए। हालांकि राहत की बात यह है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, लेकिन किस तरीके से बारिश के बाद हालात बिगड़े हैं तस्वीर आपके सामने है। की बात थी, हम लोग सारा सो रहे थे, एकदम से आवाज हुई थी बहुत जोर जबरदस्त, तो हम लोग घबरा के कमरे में से भाला कर ली पाए, पूरा गिर पड़ा था। जब हम बाहर निकले थे
आवाज सुन के नहीं, बगल वाले आए थे उन्होंने हमारे कुवाड़ बजाए थे। कितने बजे की है? रात के 3 बजे की घटना है। हमारे इसमें क्या है कि एकदम बिजली कड़की थी और बिजली कड़की और एकदम आवाज आई थी बहुत तेजी से। जयपुर से